जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी इश्यूज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन। सो लेट्स स्टडी। सी, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड इफ वी प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन, देन डेफिनेटली चिल्ड्रन वुड बी ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर अस। But if we do not provide education and other facilities, then this may result in increase in unemployment, increase in crimes, etc., etc. Therefore, these facilities like education, health facilities, sport facilities, and other facilities must be provided to children. But the reality is that children are being engaged in economic activities. Children are being exploited at a great level, right? Therefore, we need to look into the issues of children. At first we understand who would be considered child or children, right? So according to United Nations Convention on the Rights of Child, UNCRC defines, right, under the age of 18 would be considered as a child or children, right? So this is very easy, right? According to United Nations Convention on the Right of Child, UNCRC, right, whoever under the age of 18 would be considered as a child or children. And according to 2011 census, there are 44 crore children in India, and out of which 16 crore children are in the age group of 0 to 6 year, right? So we can understand that according to census 2011, there are huge number of children in India. 44 crore children in India, और इनमें से भी जो 16 crore हैं वो तो 0 to क्या है, 6 year. So we can assume that every fifth child in the world, right, belongs to India. और जो 40% children हैं, right, वे unsafe और difficult conditions में रह रहे हैं, साथ ही साथ उनको जो basic facilities हैं वो भी provide नहीं हो पा रहे हैं, right? Now we will study issues and challenges of children, right? Here 5 marker question can be asked in the examination. What are the current issues or what are the current challenges of children, right? So we will study one by one. First is dropping out from kya ho jayega? School ho jayega, right? हमारा जो education system है वो degree based हो चुका है. Degree मिलने पर भी job मिलने की guarantee नहीं होती है. Therefore, जैसे ही 15 या 16 year एज होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं और वो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड हो जाते हैं, राइट? स्कूल ड्रॉप आउट के कई कारण हो सकते हैं और उन कारण में से ये जो एजुकेशन है, राइट, एजुकेशनल डिग्री का इम्पोर्टेंस ना होना उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है, राइट? तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, राइट? फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करती है. फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन हो जाएगा, सोशल बैकग्राउंड हो जाएगा, राइट, इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा, और उसमें से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री हो जाएगा, राइट? तो चूंकि डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी जो जॉब नहीं मिल पाती है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है. सो बिकॉज ऑफ द लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम जो स्कूल है वो इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड क्या हो जाएगा, देर लैक ऑफ एजुकेशन, राइट? हमारे इंडिया में रिमोट विलेजेस में, राइट, कई रीजन्स में स्कूल ही एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, तो हमारे देश के कई एरियाज में बच्चों को एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए एजुकेशन अवेलेबल नहीं है. सो वी कैन से दैट देर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन इंडिया. देन लैक ऑफ वैक्सीनेशन, राइट? अगर हम देखें तो हेल्थ की फील्ड में अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है वैक्सीन का, राइट? और वर्ल्ड में कई डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए, उनको इराडिकेट करने के लिए, राइट, बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है. हमारे देश में भी वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो संचालित हो रहे हैं, बट जो कई सारे बच्चे हैं, राइट, वो छूट जाते हैं. तो उसका कारण क्या है,
कि जो वैक्सीनेशन फैसिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, राइट। सो देयर इज अ लैक ऑफ वैक्सीनेशन फैसिलिटी। देन अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हो जाएगा, राइट। अर्ली चाइल्ड मैरिजेस से भी कई प्रॉब्लम्स जो है निकल कर आती हैं। फिर ऑर्फनेज आ जाएगा, राइट। हमारे देश में जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, राइट, और उनको अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए भी जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत ही कम मात्रा में है। साथ ही साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो जाएगा, राइट। देयर आर मैनी केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ आइदर इन फैमिली, इन स्कूल, राइट, और इन फ्रेंड सर्कल। देन प्रॉब्लम ऑफ हंगर, और वी कैन से दैट न्यूट्रिशन, राइट। चिल्ड्रन को स्पेशल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। यदि उनको बेहतर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा सो डेफिनेटली वो माल न्यूट्रिशन के जो हैं शिकार हो जाएंगे एंड उनको कई प्रकार की डिसीजेज भी हो जाएंगी। देन लेस क्लीनिंग फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, राइट। तो जो हाइजीन फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल नहीं होती हैं। माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, बच्चों को जो एक तरीके से बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट प्राप्त नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज डेथ रेट हायर, और वी कैन से दैट इंडिया में जो मदर मोर्टिलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है और 0 to 6 ईयर की जो डेथ रेट है वो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ की तुलना में भारत में क्या है, ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि भारत में न्यूट्रिशन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, साथ ही साथ भारत का जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी उतना अच्छा नहीं है। देन क्राइम विक्टिम्स हो जाएगा और क्राइम विटनेसेस हो जाएगा, राइट। हमारे देश का लीगल सिस्टम इस तरीके से कार्य करता है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति विक्टिम है तो उसको जस्टिस पाने में बहुत समय लग जाता है, और यदि कोई व्यक्ति विटनेस है तो उसको भी बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, और कई बार कुछ केसेस में जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो विक्टिम भी होते हैं और विटनेस भी होते हैं। तो होना ये चाहिए कि जो जितने भी केसेस हैं जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं उनका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, परंतु हमारे देश में चाहे चाइल्ड विक्टिम हो या विटनेस हो उनके लिए स्पीडी ट्रायल की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा मेन रीज़न अब आ जाएगा यहाँ पर चाइल्ड लेबर का, राइट। जैसे ही 15 से 16 साल की एज होती है जो चिल्ड्रन होते हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या फिर डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व कर लिया जाता है, राइट। इससे एक और उनके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनके एजुकेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए उनको जो कुछ भी करना चाहिए, राइट, वो नहीं कर पाते। तो ये जो चाइल्ड लेबर का इशू है ये भी बढ़ता जा रहा है। और अगला हो जाएगा अब्यूज इन इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाएगा। तो ये सभी जो हैं चिल्ड्रन से संबंधित इश्यूज और चैलेंजेस हैं। इसके अलावा भी क्या हो जाएगा, हंगर हो जाएगा, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, ऑन वन हैंड वी आर जो है हमारा देश 40% हमारे देश में 40% ग्रेन इज वेस्टेड एवरी ईयर, और दूसरी ओर हमारे देश में बच्चों के लिए भोजन ही नहीं है, राइट। तो जो 2019 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, अकॉर्डिंग टू 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया से भी, या इंडिया अपने नेबरिंग देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश और क्या है पाकिस्तान से भी क्या है पीछे है, और भारत में हंगर की जो समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, राइट। एक और अगर हम देखें सो इंडिया इज प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स, बट दूसरी ओर हंगर की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास में भोजन नहीं है उन तक जो भोजन है वो नहीं पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा डेथ रेट हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे देश में 0 to 6 ईयर, राइट, अगर हम देखें तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ये भी हाई है, राइट, और 0 to 6 ईयर इस ग्रुप में बात करें तो यहाँ पर भी जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। इसके कई कारण हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, राइट, न्यूट्रिशन युक्त जो है न्यूट्रिशन युक्त भोजन की फैसिलिटी नहीं है, साथ ही साथ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। कई रूरल एरियाज़ में 2020 अंडर द परव्यू ऑफ 20 किलोमीटर्स में कोई भी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल ही नहीं होता,
राइट, जो अर्बन एरियाज होते हैं उसमें चाइल्ड केयर हॉस्पिटल होते हैं, राइट, इस वजह से 0 to 6 ईयर में बिकॉज ऑफ मैनी डिसीजेस जो डेथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डायरिया है या रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डायरिया जैसे इन्फेक्शंस की वजह से बहुत से जो चाइल्ड हैं उनकी जान चली जाती है। साथ ही साथ कई बच्चे जो हैं हमारे देश में, कई जो बच्चे हैं वो इन्फेक्शंस के लिए प्रोन होते हैं और कई डिसीज़ के लिए प्रोन होते हैं। हमारे देश में हाइजीन पर उतना फोकस नहीं किया जाता है, राइट, अच्छा जो न्यूट्रिएंट्स फूड है वो भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं, जिस वजह से डेथ रेट भी क्या है, ज़्यादा है। फिर हो जाएगा चाइल्ड लेबर, राइट। सो वी कैन कोट हियर डाटा अकॉर्डिंग टू 2000 नेशनल 2000 सेंसस 10.01 मिलियन, राइट, आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन इन इंडिया, राइट, वो हमारे देश में जो है लेबर की तरह कार्य कर रहे हैं, राइट, तो जो 10.1 मिलियन चिल्ड्रन है, राइट, वो 14 साल से कम के हैं और वो चाइल्ड लेबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमारे देश में चाहे वो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हो या अर्बन एरियाज़ में डोमेस्टिक वर्क में हो, राइट, जैसे ही बच्चा 14 से 15 साल की एज को अटेंड करता है उनको डोमेस्टिक वर्क में, राइट, एग्रीकल्चरल वर्क में और अदर जो जितने भी होटल्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लिया जाता है, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो 70% चिल्ड्रन है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं, राइट, वो एग्रीकल्चरल और जो एलाइड सेक्टर है उनमें क्या है, इन्वॉल्व है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, राइट। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2018 रिपोर्ट 51% ऑफ द टोटल ट्रैफिकिंग विक्टिम्स वर चिल्ड्रन, तो जो टोटल ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स थे उनमें से 51% कौन है, चिल्ड्रन है, और उन 51% में से भी जो 80% हैं वो कौन है, गर्ल्स हैं, राइट। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं उनको 2 से 3 रीजंस के लिए जो है ट्रैफिकिंग की जाती है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑर्गन्स के लिए, राइट, अगर हम देखें तो जो गर्ल्स हैं, राइट, जो गर्ल चाइल्ड है उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो है उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, राइट, साथ ही साथ ऑर्गन डोनेशन के लिए चाइल्ड्स को जो है किया जाता है, राइट, स्लेवरी के लिए। तो ऐसे 3 से 4 कारण हैं जिनकी वजह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 से 4 स्टेट हैं जहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, जिनमें कौन से हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बंगाल से, राइट, तो बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड असम, दीज स्टेट्स आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस, राइट। नाउ वी विल सी सेक्सुअल असॉल्ट, राइट। अब देखिए जो चिल्ड्रन होते हैं उनको सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, राइट, चिल्ड्रन डोंट नो अबाउट व्हाट इज गुड टच और वेट टच, तो उनको गुड टच और बैड टच के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इसीलिए चाहे स्कूल्स हो, चाहे फैमिली हो या कोई भी और अदर प्लेसेस हो, वहाँ पर बच्चों के साथ में सेक्सुअली असॉल्ट होता है। और इसमें से भी जो गर्ल्स हैं, राइट, उनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, राइट। तो गर्ल्स के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, साथ ही साथ फिजिकली के साथ साथ इमोशनल और वर्बल जो असॉल्ट हैं इनके केसेस भी निकल कर सामने आते हैं, राइट। फिर हो जाएगा, अगला हो जाएगा इफेक्ट ऑफ एपिडेमिक, राइट। तो देखिए जब कभी भी कोई नेचुरल डिसास्टर आता है, राइट, जब कभी भी कोई नेचुरल डिसास्टर हो या एपिडेमिक हो, जब इन नेचुरल डिसास्टर में एपिडेमिक में क्या होता है कि कई बच्चे अपने पेरेंट्स को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं कोरोना के, राइट, सो इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना, राइट, और कोरोना जो फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव है, थर्ड वेव है, उन वेव्स में कई
जो हमारे देश के जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया, राइट, या गार्जियन को खोया है। और जब किसी फैमिली का पेरेंट्स, बच्चों का पेरेंट्स या गार्जियन की अगर डेथ हो जाती है तो फिर बच्चों की स्कूलिंग है, बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उन पर बहुत ही ज़्यादा जो है कम ध्यान दिया जाता। तो कुल मिलाकर एपिडेमिक की वजह से बच्चों पर इसका निगेटिव इफेक्ट होगा। दूसरी बात एक और निकल कर आई है कि जो एपिडेमिक है उनमें चाइल्ड मैरिजेस की संख्या भी बढ़ी है। फॉर एन एग्जाम्पल, हियर वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय चाइल्ड लाइन इंडिया इन दिसंबर 2020, राइट, जो ड्यूरिंग द पेंडेमिक जो चाइल्ड मैरिजेस थे मध्य प्रदेश में, वो उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है, राइट। चलिए, नाउ वी विल स्टडी वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, राइट। तो जो वेलफेयर प्रोग्राम है और जो जितने भी चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए जितने भी प्रोविजंस हैं और जितने भी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वेलफेयर के लिए जितने भी प्रोविज़न हैं वी कैन डिवाइड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, स्टेचुअरी प्रोविज़न, स्कीम्स, राइट, इंस्टीट्यूशनल प्रोविज़न, अदर प्रोविज़न एंड हेल्थ पॉलिसीज, राइट। अब हम एक एक से संबंधित जो है प्रोविजंस को यहाँ पर समझेंगे। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस वॉट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, राइट। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14 हो जाएगा। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। देन आर्टिकल 15, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। ऑल्सो देयर इज अ प्रोविजन दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमन एंड चिल्ड्रन, राइट। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, इंडियन स्टेट चिल्ड्रन एवं वुमन के अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन भी कर सकता है, राइट। वहीं पर आर्टिकल 21A हो जाएगा, राइट, और वी हैव स्टडीड दिस इन वेरी डिटेल, राइट। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के लिए इनफ प्रोविजंस नहीं थे। बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया था एंड अकॉर्डिंग टू दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 years इन सच मैनर एज द स्टेट मे बाय द लॉ डिटरमाइन, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 इज प्रोविजन ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन ट्रैफिकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जो रिलेटेड प्रोविजन है वो आर्टिकल 23 में है और ये आर्टिकल तो आपको आंसर राइटिंग के समय मेंशन ही करना है। देन आर्टिकल 24 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। देन आर्टिकल 45, द स्टेट शैल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, राइट। तो आर्टिकल 45 को भी हम पहले ही समझ चुके हैं। देन आर्टिकल 47, द स्टेट शैल रिगार्ड द राइजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज वन ऑफ इट्स प्राइमरी ड्यूटी, राइट। तो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो एक ये जो आर्टिकल 47 है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में है। तो यहाँ पर स्टेट को अपने जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य करना चाहिए, राइट। और अगला हो जाएगा आर्टिकल 51A, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, राइट। सरदार स्वर्ण सह कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, परंतु शुरुआत में देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली, राइट। वाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी को इंसर्ट किया गया था और आर्टिकल 51A के में 11th फंडामेंटल ड्यूटी है और वो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, राइट। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस मे बी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years, राइट। तो ये
जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे। नाउ वी विल स्टडी द स्टेटुअरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। उसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, और इसको 1979 में अमेंड किया गया था। राइट, हमारे देश में अर्ली चाइल्ड मैरिज जो है एंशियंट टाइम से ही प्रेविलेंट है। राइट, हमारा कल्चरल एस्पेक्ट भी इस तरीके से है, परंतु अर्ली जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उनसे कई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सबसे पहली चीज की बात करेंगे अगर हम, तो बोथ हस्बैंड और वाइफ दोनों मैच्योर नहीं होते हैं, तो उनको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लाइफ का होता नहीं है। दूसरी चीज़, अगर अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो अर्ली प्रेगनेंसी होने से जो है मदर मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये भी हाई होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो है दोनों इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाते, इस वजह से कई समस्याएं जाती हैं, और इसको रोकने के लिए ही द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को पास किया गया था, और इसको 1979 में जो है अमेंड किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस इट प्रोविड्स चाइल्ड मैरिज अप टू द मिनिमम एज। राइट, इसका मतलब ये है कि अगर 21 साल जो है, राइट, 21 साल क्या है मेल के लिए डिसाइड है और 18 ईयर क्या है फीमेल के लिए, तो अगर 18 ईयर से कम आयु की फीमेल है और 21 ईयर से कम एज का क्या है मेल है और इनकी शादी होती है, तो उसको इस एक्ट के द्वारा जो है प्रोहिबिट किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जिसको 1986 में अमेंड किया गया था। राइट, और दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू, जो इमोरल ट्रैफिक था उसको रोकने के लिए ही इस एक्ट को पास किया गया था। और इस एक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इफ अ पर्सन ऑब्टेन अ चाइल्ड, राइट, देन इट इज अज्यूम्ड दैट द चाइल्ड इज डिटेन्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। राइट, और अकॉर्डिंग टू दैट उसको फिर पनिश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कोई भी व्यक्ति जो है बच्चों को या बच्चों की जो है ट्रैफिकिंग नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट हो जाएगा वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन लाइसेंसिंग एक्ट 1956, और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोटेक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड इनह्यूमन एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द इंस्टीट्यूशन। तो जो इंस्टीट्यूशन में जो महिलाओं का और बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है और जो इनह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन लाइसेंसिंग एक्ट 1956 को जो है पास किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974। राइट, तो बच्चों के वेलफेयर के लिए 1974 में नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी। राइट, एंड दिस इज द फर्स्ट रिटन पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन इन इंडिया। तो जो 1974 की नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन थी, यह है फर्स्ट क्या था, रिटन पॉलिसी थी बच्चों के लिए। राइट, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, राइट, बेटर इंप्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल एज द राइट्स गिवन बाय द CRC। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के वेलफेयर के लिए जितने भी प्रोविजंस हैं, राइट, उनका सेफगार्ड हो सके, साथ ही साथ जो जितने भी अदर राइट्स हैं जो कि उनको चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन में प्रोवाइड किए गए हैं, उनका बेहतर तरीके से क्या हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके। साथ ही साथ द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन आल्सो मेक्स द प्रोविजंस टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्कीम्स। राइट, और इसके अतिरिक्त भी और भी कई क्या हो जाएंगे जो है और भी अन्य हो जाएंगे, जैसे चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006 हो जाएगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1949, देन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1966। राइट, सो दीज वर द स्टेटुअरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। राइट, नाउ वी विल सी पॉलिसी प्रोविजंस। तो बच्चों के वेलफेयर के लिए कितनी पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और आपको समझना है कि यहाँ से हो सकता है एग्ज़ाम में 5 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। राइट,
या व्हाट आर द स्टेट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द पॉलिसी प्रोविजंस, और हम कह सकते हैं कि स्टेट द पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। तो हम यहाँ पर एक एक करके पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, राइट। और इसको 1975 से क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं ICSDS, राइट, ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम्स है। इस स्कीम्स के माध्यम से बच्चों में न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया जाएगा, राइट। जो अर्ली स्कूलिंग है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और चाइल्ड केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। दरअसल अंडर दिस स्कीम जो जितनी भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो रेडी टू ईट फूड है वो बच्चों के लिए जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बच्चों को रेडी टू ईट जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ उनका हेल्थ चेकअप हो जाएगा, उनका वैक्सीनाइजेशन हो जाएगा। इसकी पूरी की पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आंगनवाड़ी के माध्यम से परफॉर्म होगी, राइट। तो बच्चे एवं उनकी मदर के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़, न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ और जो अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्कीम्स के द्वारा जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1951, राइट। तो रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ प्रोग्राम 1951, राइट। और यह भी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, न्यूट्रिशन से संबंधित है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम जो इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छी जो हेल्थ केयर है वो मिल सके। साथ ही साथ जो है इस स्कीम के माध्यम से फैमिली प्लानिंग और इम्यूनाइजेशन पर भी जो है फोकस किया जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995। तो हमारे देश में से पोलियो को इराडिकेट करने के लिए पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 से ही जो है कंडक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा मिड डे मील स्कीम 1995, वी हैव स्टडीड इट अर्लियर, राइट। तो बच्चों की जो है ड्रॉपआउट्स को कम करने के लिए, इनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए, बच्चों में न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए मिड डे मील स्कीम 1995 से ही जो है इनेक्ट है हमारे देश में। फिर हो जाएगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013, इन दोनों के माध्यम से हमारे देश में जो प्रेग्नेंट वूमेन है या वीमेन हेल्थ केयर हो जाएगा या चाइल्ड हेल्थ केयर हो जाएगा उनसे संबंधित सभी प्रकार की जो है फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इस नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के माध्यम से जो न्यूट्रिशन, राइट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, सैनिटेशन एंड हाइजीन सर्विसेज हो जाएंगी, राइट, और यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हो जाएंगी, वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्थ फैसिलिटीज हो जाएंगी, इन सब को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। उसके बाद में हो जाएगा नंदघर योजना 2015, राइट। तो जो नंदघर योजना 2015 है ये भी बहुत ही अच्छी स्कीम है, राइट। थ्रू दिस स्कीम जो आंगनबाड़ीज हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा, साथ ही साथ आंगनबाड़ीज का रिवाइवल किया जाएगा, आंगनबाड़ीज को और भी अच्छे से जो है हेल्थ फैसिलिटीज जो जितनी भी हैं आंगनबाड़ी की हेल्थ फैसिलिटीज को और आंगनबाड़ी की फैसिलिटीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव किया जाएगा। सो नंदघर योजना 2015 इज रिलेटेड टू रिवाइवल ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम प्लान फॉर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा 2016 हो जाएगा, राइट। और इसमें प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एजुकेशन, हेल्थ, राइट, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। फिर हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2009। तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2009 है, इसमें या इस स्कीम के द्वारा फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। ये किसके लिए दिया जाएगा, तो ये जो फाइनेंशियल एड है ये चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज और चाइल्ड जस्टिस बोर्ड्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, ताकि
चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज जो है इस्टेब्लिश हो सके और फिर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो है कार्य कर सके। नेक्स्ट हो जाएगा बालिका समृद्धि योजना 1997, राइट। और ये सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए यह पॉलिसी थी, राइट। तो बालिका समृद्धि योजना 1997 के अनुसार जब कभी भी गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता था तो आफ्टर अ गर्ल चाइल्ड बर्थ जो है फैमिली को 500 रुपीज जो है प्रोवाइड कराए जाते थे, राइट, ताकि जो लोगों का एटीट्यूड है वो चेंज हो सके। और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा गर्ल्स के लिए तो डेफिनेटली जो सेक्स रेशियो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना 2014, और इस योजना के माध्यम से सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट्स हैं वो ओपन किए जाएंगे वीमेन के, और इससे क्या होगा जो गर्ल्स हैं और वीमेन्स के सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स जो है ओपन होंगे, जिससे कि जो सेविंग्स है वो इंक्रीज हो सके। देन मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो जाएगा जिसके तहत जो है चिल्ड्रन को वैक्सीनेट किया जाएगा। फिर अटल बाल मित्रा योजना हो जाएगा, राइट। और जो अटल बाल मित्रा योजना है या अटल बाल मित्रा स्कीम है, राइट, दिस स्कीम इज फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड क्या हो जाएगा चिल्ड्रन हो जाएगा। देन नेशनल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम एंड नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम हो जाएंगे, राइट। तो ये सभी जो हैं ये क्या हो जाएंगे पॉलिसी प्रोविजंस हो जाएंगे रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। नाउ वी विल स्टडी द इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इंस्टीट्यूशन हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों के वेलफेयर के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं, राइट, जो कि एस्टेब्लिश किए गए हैं या जो मध्य प्रदेश में या भारत में जो कि भारत में कार्य कर रहे हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा इसमें से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007, राइट। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007, और ये बच्चों के या चाइल्ड राइट्स के लिए जो है बेहतर तरीके से कार्य करता है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 1975, देन इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, देन चाइल्ड लाइन फाउंडेशन हो जाएगा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड हो जाएगा और CRY चाइल्ड राइट एंड क्या हो जाएगा यूथ हो जाएंगे। इतने इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें से जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2017 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वी विल स्टडी अबाउट नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। एट फर्स्ट इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मार्च 2007 में हुआ है। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन 2007 अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। तो ये दो चीजें आप याद रखें, राइट, चाइल्ड प्रोटेक्शन, राइट, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स CPR एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग ही मार्च 2017 में यह कमीशन जो है एस्टेब्लिश किया गया है। एंड दिस कमीशन इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी, राइट, अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। और ये किसके अंडर कार्य करता है? सो दिस वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य क्या होता है? तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में चिल्ड्रन के जितने भी राइट्स हैं और जो इंटरनेशनल पर जो कन्वेंशन है उनमें जितने भी राइट्स हैं उनकी सेफ गार्डिंग करना, उसके लिए इसको जो है दिए गए हैं, राइट। तो द मैंडेट ऑफ द कमीशन टू इंश्योर दैट ऑल लॉस पॉलिसीज प्रोग्राम्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कन्फर्म टू द चाइल्ड राइट्स परस्पेक्टिव इंसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसमें जितने भी राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स हैं, राइट, उनकी सुरक्षा के लिए ही यह क्या करता है, कार्य करता है, राइट। और यहाँ पर
अकॉर्डिंग टू इस एक्ट के माध्यम से कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 अ चाइल्ड इज डिफाइंड एज अ पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 राइट। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी यही डेफिनेशन है और इस एक्ट में भी चाइल्ड की परिभाषा भी यही है राइट, 0 to 18 ईयर। अब हम जो है अदर प्रोग्राम्स को पढ़ेंगे। अदर प्रोग्राम्स में क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा नेशनल चिल्ड्रंस फंड। सो नेशनल चिल्ड्रंस फंड जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा और इस फंड का इस्तेमाल चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी ऑन क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। और हमने ये देखा था कि जो नेशनल पॉलिसी थी दिस वॉज द फर्स्ट रिटन पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। देन चाइल्ड बजटिंग हो जाएगी, चाइल्ड के वेलफेयर के लिए जो है बजट में अलोकेशन किया जाएगा। देन एट प्रेजेंट टाइम बैन ऑन क्या हो जाएगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स करेगी ताकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जो है रोका जा सके। देन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट, जिसको पॉस्को एक्ट भी कहा जाता है। देन जो ऑनलाइन गेम एडिक्शन है उसके उससे छुटकारा पलाने के लिए भी जो है गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव्स लॉन्च की है। अब हम यहाँ पर समझते हैं चाइल्ड राइट्स के बारे में। तो चाइल्ड राइट्स क्या होते हैं, इनको कहाँ पर दिया गया है राइट। तो यदि ये क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द चाइल्ड राइट्स राइट, तो हम यहाँ पर एक जो है 50 शब्दों में मैटर तैयार करते हैं राइट। तो चाइल्ड राइट्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड राइट, जिसको इंडिया ने रेटिफाइड क्या किया है, 1992 में रेटिफाइड किया है राइट। तो जो चाइल्ड राइट्स हैं वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड हैं, जिसको इंडिया ने 1992 में क्या किया है, रेटिफाई किया है। इसके अनुसार जो चिल्ड्रन हैं वो इन अधिकारों को लेकर ही बॉर्न होते हैं। कौन कौन से अधिकार हो जाएंगे, सबसे पहला हो जाएगा राइट टू सर्वाइवल राइट। प्रत्येक बच्चे को राइट टू सर्वाइवल का क्या है, अधिकार है। अब राइट टू सर्वाइवल से क्या मतलब हुआ, राइट टू सर्वाइवल मींस राइट टू लाइफ हो जाएगा, राइट टू हेल्थ, न्यूट्रिशन, नेम एंड क्या हो जाएगा, नेशनैलिटी हो जाएगा, ये बच्चों का अधिकार होगा। दूसरा हो जाएगा राइट टू डेवलपमेंट, और इसके अनुसार बच्चों को राइट टू एजुकेशन होगा, राइट टू केयर होगा राइट, राइट टू लीजर हो जाएगा, राइट टू इंटरटेनमेंट होगा और कल्चरल एक्टिविटीज होगा। फिर राइट टू प्रोटेक्शन राइट, किससे, एक्सप्लॉयटेशन से, अब्यूज से और नेग्लिजेंस से। फिर राइट टू पार्टिसिपेशन राइट, इसमें से राइट टू बच्चों को राइट टू एक्सप्रेशन होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, आइडिया और रिलीजन। तो ये इतने क्या हो जाएंगे, बच्चों के चाइल्ड राइट्स हो जाएंगे। क्लियर। नाउ वी विल स्टडी हेल्थ स्कीम्स, और हेल्थ स्कीम्स हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पढ़ेंगे और हेल्थ स्कीम हम जो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की भी पढ़ेंगे राइट। तो बच्चों के वेलफेयर के लिए हेल्थ स्कीम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहली जो स्कीम है वो कौन सी हो जाएगी, नेशनल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम 2013। तो जो नेशनल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम 2013 है, इसके अनुसार 0 से जो 18 ईयर के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको जो है हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है, टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन, बच्चों को यूनिवर्सल हेल्थ के माध्यम से प्रोटेक्ट किया जाए। और इसका संचालन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जाएगा और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ही क्या है, एक पार्ट है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर नेशनल आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम 2013। देखिए हमारे देश में एनीमिया केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो मॉल न्यूट्रिशन की वजह से और अच्छा न्यूट्रिशन भोजन ना मिलने के कारण एनी जो बच्चों में और विशेषकर गर्ल्स में जो है एनीमिया के केसेस है वो बढ़ रहे हैं। तो एनीमिया के जो केसेस हैं उनको कम करने के लिए 10 से 19 साल के बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से जो आयरन एंड फोलिक एसिड जो सप्लीमेंट टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी राइट। और इससे 13 करोड़ जो है एडोलेसेंट जो हैं वो बेनिफिट लेंगे। देन हो जाएगा सबला स्कीम, सबला स्कीम को 2010 में लॉन्च किया गया है और इस सबला स्कीम के माध्यम से भी
इस सप्लाई स्कीम के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स है वो इन्हांसमेंट प्रोग्राम को चलाया जाएगा। तो जो आंगनबाड़ी के माध्यम से जो न्यूट्रिएंस फूड है वो प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ जो टीनेज गर्ल्स हैं उनको न्यूट्रिएंस फूड प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि जो न्यूट्रिशन की समस्या ना हो। फिर अगला हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975, राइट। अर्लियर यहाँ पर 1974 जो हमने पढ़ा था, तो ये सही हो जाएगा 1975, राइट। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975, और मैंने बताया था कि हमारे देश में बच्चों के पोषण के लिए, उनकी प्री लर्निंग के लिए, साथ ही साथ अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, राइट। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट प्लान फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। और इसके अंतर्गत जो 6 सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो जाएगा। तो आंगनवाड़ी के माध्यम से रेडी टू ईट फूड जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है ताकि बच्चों में न्यूट्रिशन अच्छा हो सके, बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा हो सके। बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा आंगनबाड़ी के माध्यम से, बच्चों का और मदर का हेल्थ चेकअप होगा, राइट। रिफर्ड जो है सर्विसेज प्रोवाइड होगी, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो भी आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993 एंड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2019 हो जाएगा। फिर जननी शिशु सुरक्षा प्रोग्राम हो जाएगा, फिर नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 2017, फिर नेशनल हेल्थ मिशन रूरल एंड अर्बन, मिड डे मील स्कीम 1995, स्वच्छ भारत मिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आंगनबाड़ी, राइट। तो ये जो हैं हेल्थ स्कीम्स हो जाएंगी। अब हम जो है बच्चों के वेलफेयर के लिए हेल्थ स्कीम्स पढ़ेंगे, और वो भी किसकी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, कि राइट डाउन द हेल्थ स्कीम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। तो उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, राइट। और इसके तहत 6 टाइप की जो वैक्सीन्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए, हमारे देश में बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को जो है कंडक्ट किया जा रहा है। अब उस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से भी जो बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं उनको मिशन इंद्रधनुष फर्स्ट में कवर किया जाएगा, उसमें भी जो नहीं हुए हैं उनको मिशन इंद्रधनुष सेकेंड, और इनसे भी अगर बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे तो बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अल्टरनेटिव जो वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम है उस पर कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चों को हर संभव या हर तरीके से जो वैक्सीन है वो डिलीवर हो और बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके। फिर हो जाएगा बाल शक्ति योजना, राइट। बाल शक्ति योजना क्या है, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सिवियरली जो मालन्यूट्राइज्ड चिल्ड्रन हैं उनको बाल शक्ति योजना के तहत जो मालन्यूट्राइज्ड चिल्ड्रन हैं उनको जो है इन सेंटर्स में रिहेबिलिटेट किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हियरिंग ट्रीटमेंट स्कीम हो जाएगा, और चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हार्ट ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा, राइट। तो ये मध्य प्रदेश की स्कीम्स थी। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।